अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़, मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, इस वक्त बात करें अगर मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, तो बहुत सारे इशूज़ हैं जिसमें एक जो एक कीमतों में इजाफ़ा है वो एक बहुत बड़ा मामला है, माशी चैलेंजेस का एक बहुत बड़ा इशू है। अभी पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। फिर अगर पंजाब की बात करें, वहाँ पर जो इलेक्शन होना है उसकी तारीख के अंदर ताखीर जो है वो भी एक इशू है जो कि ज़ेर बहस है। फिर निगरान वज़ीर आला पंजाब को लेकर भी एक मामला है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसको कबूल करने को फिलहाल तैयार नहीं दिखाई देती और उनका कहना है कि वो उसको चैलेंज करेंगे। फिर जो 43 वो थी सीट्स थी जिसके ऊपर इस्तीफा मंजूर हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का, एमएनए इसका आखिरी फेज के अंदर उसको जो है वो कबूल करने का, जब वो हो गया रेजिग्नेशन एक्सेप्ट, तो उसको कोर्ट में चैलेंज करने की भी अब हम सुन रहे हैं बात चल रही है कि शायद कल के रोज जो है उसको भी चैलेंज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ये सारे मामला पर बात करना जहां पर इस वक्त जहन में था कि हम बात करेंगे, वहां पर एक खबर ऐसी आती है कि वो इन सारी चीजों को फिलहाल मेरे लिए कम से कम ओवर शेडो कर रही है, और वो ये है कि इमरान खान साहब की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि जो 33 नशिस्तों के ऊपर ज़िमनी इंतखाब होना है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसका स्केड्यूल भी जारी कर दिया गया है, उन 33 की 33 नशिस्तों पर इमरान खान साहब खुद जो है वो कंटेस्ट करेंगे और कोई और उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में नहीं उतारेगी। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो सुबह शाम ये कहती है कि उनको इस वक्त आवाम की जो माशी मुश्किलात हैं उनकी बहुत फिक्र है, वो उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, ये जो मौजूदा हुकूमत है इनसे मईशत संभाली नहीं जा रही है, मामलात को हैंडल नहीं कर पा रहे। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जब इस तरह के मामलात आते हैं तो उसमें इस तरीके से बिहेव करती है कि लगता है कि वो इस मुल्क में कानून को, इलेक्शन के पूरे अमल को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, इस मुल्क के अवाम जो वोटर्स हैं उनके उनके वक्त तक को मजाक समझती है। शायद मैं एक सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूं, लेकिन ये बात मेरी समझ से कम बालतर है, क्योंकि खान साहब पहले भी 9 नशिस्तों पर इंतखाब कंटेस्ट कर चुके हैं, उनमें से जितनी नशिस्तें जीते हैं वो सारी तो रिटेन नहीं कर सकते। अब अगर मैं ये मान लूं एक लम्हे के लिए कि 33 की 33 नशिस्तें खान साहब जीत जाएंगे, तो फिर क्या होगा, उस वे फॉरवर्ड क्या है? खान साहब वो सारी नशिस्तें तो रख नहीं सकते, तो इसका मतलब यह है कि जो टैक्स पेयर मनी है उसका जो है वो इस्तेमाल होगा, एक पूरी इलेक्टोरल एक्टिविटी होगी, अवाम का वक्त जो है उसका ज़िया होगा, वो बाहर निकलेंगे, वोट डालेंगे, और उसके बाद खान साहब अगर मल्टीपल नशिस्तें जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो या वो उनमें से कोई भी रिटेन नहीं करेंगे या एक नशिस्त रखेंगे। तो मैं समझती हूँ कि इस मुल्क की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, और किसी चीज़ पर नहीं तो कम से कम उसी पर रहम कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। मैं इस पर बात करूंगी जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं उनका तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से शेख फयाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजिया कार हैं, सजाद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहम्मद इब्राहिम खान साहब लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं, सर बहुत शुक्रिया आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं इब्राहिम खान साहब आपसे अगर इसी नुक्ते पर गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, सर क्या मंतक है, कोई लॉजिक, कोई विजडम इसके पीछे, कोई मंतक मुझे आज समझा दीजिए, मैं आपकी बड़ी मशकूर होंगी। कि पहले 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होता है, खान साहब 9 की 9 पर खड़े हो जाते हैं, अब वो 33 नशिस्तों पर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई अहल नहीं है, या वो इस मुल्क में इंतखाबी अमल का जो मजाक है वो उड़ाना चाहते हैं खुलकर, क्या पीछे लॉजिक क्या है सर? थैंक यू, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। इसमें देखें, हमने इनको ये पिछले कुछ 6 माह से डंडोरा पीट रहे थे कि जी आए असेंबलियों में आए और आके मिसा के मईशत करें, हमारे साथ बैठ के असेंबलीज में बैठ के बात करें। फाइनली हमने कहा कि वे फॉरवर्ड है कि जाएं जाके इनको जनरल इलेक्शंस के लिए आमादा करने के लिए इनके साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी। तो जब हम वहां पे इस्लामाबाद असेंबली में पहुंचे तो ये स्पीकर साहब असेंबली छोड़ के भाग गए, और साथ ही उन्होंने जो है वो असेंबलियों के इस्तीफे धड़ाधड़ 35-35 की सूरत में देने शुरू कर दिए। तो ये दे आर नॉट सीरियस अबाउट डेमोक्रेसी। ये एक वो जो है ना अली बाबा और 40 चोर की एक टीम जो है वो मुसल्लत हुई है हमारी मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान पे। इनका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट पाकिस्तान का या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पाकिस्तान का वो ये मलूज़े खातिर रख ही नहीं रहे। एक बात जो करते हैं फिर उस पर ठहरते नहीं हैं। अब आप जो बात कर रही हैं बिल्कुल ठीक बात है आपकी, कि ये अगर इलेक्शन इस तरह से होना है, अगर ये करते ही ना, जो इन्होंने हरकत की है ये इस्तीफों वाली, अगर ये करते ही ना तो इसकी जरूरत ही पेश ना आती। हम तो जा रहे थे असेंबली में, ये उसके बावजूद इन्होंने ये कर दिया। अब खान साहब को लड़ाने का मकसद सिर्फ ये है कि मखलूक खुदा पाकिस्तान की कौम जुमला
चारों सूबों में इनको ये बता रही है कि आपको, हालांकि खान साहब असेंबली में नहीं भी जाएंगे तो वो प्रेफर कर रहे हैं कि हम खान साहब को वोट दे के उन मुख्तदर इदारों को या उन लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में इमरान खान के साथ हैं, तहरीक इंसाफ के साथ हैं। चले आपने अच्छा हम किया। इनके साथ आपने अच्छा ये जो किया, आपने आपने ये कह दिया क्योंकि मैं कहती तो आपको लगता कि शायद कोई गैर जरूरी तनकीद हो रही है। आपने ये बात खुद कह कि मेरा काम थोड़ा सा वो कर दिया कि सर खान साहब मकबूल हैं, ये बात साबित करने के लिए, ये बात साबित करने के लिए कि लोग इस वक्त खान साहब के पीछे खड़े हैं। आप लोग पाकिस्तान का पैसा, जो कि पहले ही हमारी मुल्क की मईशत की जो सूरत हाल आपको पता है उसका बेदरेग इस्तेमाल होगा इलेक्टोरल एक्टिविटी के अंदर, आप वो करवाएंगे, आप अपने वोटर को बाहर निकालेंगे, आप उसका वक्त इस्तेमाल करेंगे सिर्फ ये पॉइंट प्रूव करने के लिए कि खान साहब मकबूल हैं। सर ये तो फिर ईगो की गेम हो गई ना। आप कह रहे हैं कि ये लोग एक बात कहते हैं उस पर टिकते नहीं। सर टिकते तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी किसी बात पर नहीं है। आप लोगों ने 9 महीने पहले इस्तीफे दिए और 9 महीने पहले इस्तीफे दिए आप लोगों ने फर्स्ट मैच में जब इस्तीफे नहीं हमारा, आप सुनिए सर, आप मुझे सिर्फ सुन लीजिए 2 मिनट के लिए। जी जी प्लीज। इनको मकसद सिर्फ ये है कि ये आम इंतखाबात की तरफ आए। जब तक ये आम इंतखाबात की तरफ नहीं आएंगे इस मुल्क में जो है वो मुआशी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। अगर मुआशी स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर आपकी जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर नहीं हो सकती। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और उसके लिए ही बहुत जरूरी है कि फ्रेश मैंडेट लिया जाए। इस वक्त 72% जो है प्रोविंशियल असेंबली की सीटें वो इस वक्त असेंबलीज दोनों डिसॉल्व हो चुकी हैं। 40% आपकी जो है वो नेशनल असेंबली की सीटें जो है वो खाली पड़ी हुई हैं। इन्होंने पाकिस्तान को क्यों मजाक बना रहे हैं? क्यों नहीं जल्दी इलेक्शन की तरफ जाते और पाकिस्तान के लोगों को डिसाइड करने देते? जल्दी इलेक्शन करवाएं और पाकिस्तान के लोग जिसको भी डिसाइड करके ले तो मैं जरा बाकी मेहमानों को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। पूरा हुकूमत को चलाने मैं बाकी मेहमानों को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूं। इलेक्शन करवाने का जो आपका मुतालबा है उस गोल को अचीव करने के लिए भी ये क्या तरीका कार है? मुझे अभी भी मैं कुन जहन हूं, मैं समझ नहीं पा रही। मैं आपकी जानिब आती हूँ। मैं शेख फयाजुद्दीन साहब, सर घबरा रहे हैं आप लोग फिर क्योंकि खान साहब तो ये प्रूव करने के लिए कि वो मकबूल तरीन लीडर हैं इस वक्त पाकिस्तान के, वो 33 की 33 नशिस्तों पर खुद मैदान में उतर रहे हैं, तो अब आप कहां से ऐसे कैंडिडेट्स लाएंगे जी जो उनका मुकाबला करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबी एक तो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, लेकिन जो मैं समझा हूं जो ये 33 हलकों में इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, ये उन्होंने बाल टेम्परिंग की है जो उनकी हमेशा से आदत है। साथ में उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो वहां से इलेक्टेड MNA थे वो कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर वो भी कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। हालांकि उन्हें क्लियर कट ये कह देना चाहिए था कि वो बंदे लड़ेंगे ताकि PDM वाले भी मुकाबले में अपने उम्मीदवार उतार सकें। उनका जो मंसूबा जो मैं समझा हूं वो ये है कि अगर PDM वाले इन इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते तो इमरान खान साहब हसब मामूल धोखा देते हुए अपने कागजात वापस ले लेंगे और अपने उम्मीदवारों को बिला मुकाबला कामयाब करा देंगे। ये उनकी पॉलिसी है, ये उनका एक एजेंडा मैं समझा हूं। एजेंडा तो उनका यह है कि पूरे मुल्क में गैर यकीनी की और फिजा कायम की जाए ताकि पाकिस्तानी मशियत जो है जिसको वो एक गड़े में फेंक के गए थे वो उम्मीदवारों की तो बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो कह रहे हैं वो 33 की 33 नशिस्तों पर खुद खड़े होंगे। यही एजेंडा है, उम्मीदवारों की तो बात ही नहीं है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा सर फिर मुझे एक सेकंड इजाजत दीजिएगा, हम आपके साथ अपनी ऑडियो जो है उसको हम फिक्स करते हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी मैं उतनी देर सजाद मीर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। मीर साहब, इब्राहिम खान साहब की गुफ्तगू सर अगर आपने सुनी है वो ये कहते हैं कि ये लोग क्योंकि जमहूरियत को लेकर सीरियस नहीं है। जब मैंने उनसे ये 33 नशिस्तों वाला सवाल किया तो सर फिर आपसे सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपके ख्याल में ये फैसला किया कि हुकूमत जो है वो जमहूरियत को लेकर सीरियस नहीं है तो हम मजीद नॉन सीरियस रवैया जो है वो इख्तियार कर लेते हैं? ये जो ऐलान हुआ है इसको किस तरीके से देख रहे हैं सर? 33 नशिस्तें इट्स अ बिग नंबर, वो कहते हैं वो सब पे खुद खड़े होंगे। ये मजाक है, ये जमहूरियत के साथ भी और मुल्क की सियासत के साथ भी ये साथ लपेटना चाहते हैं जमहूरियत की, और कुछ नहीं है। और क्या करना चाहते हैं? कोई अकल की बात है कि 33 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे साबित करने के लिए कि इमरान खान बहुत मकबूल है? अगर ये साबित करने के लिए इलेक्शन लड़ना है कि लोग आंखें बंद करके ही इमरान का साथ देंगे और अकल से काम ही लेंगे और ये फैसला नहीं करेंगे कि इमरान ठीक है कि या गलत है, बल्कि जो वो कहेगा वो फॉलो करेंगे, तो ये तो सबसे बड़ी दलील हो जाती है कि इमरान का रास्ता रोका जाए। ऐसा शख्स तो हिटलर का रवैया अख्तियार करेगा, ऐसा शख्स तो जो इस मुल्क में बचा कुचा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको तबाह कर देगा। ये जो कहते हैं ना कि ये हमने मईशत को बेहतर कर दिया था,
कल ही बेशाद हसन सदीकी अदात शुमार पेश कर रहे थे, ये भी पेश करते हैं, वो पेश कर रहे थे कि उस वक्त तो ज़र मुबादला के ज़खायर थे इमरान के ऐलान के बाद कि उसने कैप कर दिया है उसके प्रोग्राम को, IMF के प्रोग्राम की तरह $5 बिलियन एक महीने में कम हुए थे। किस्सा क्या कर रहे हैं, क्या तमाशा लगा रहे हैं, जिस चीज को शुरू आपके अमल से हुआ है। मैं तो कहता हूं कि सच्ची बात तो ये है कि ये क़यामतें जो गुजर गई थी अमानतें कई साल की, ये एक दिन का किस्सा नहीं है, बहुत पुराना किस्सा है। लेकिन अगर मुश्किल अगर माजी करीब में देखें तो उस दिन जिस दिन नवाज शरीफ को निकालने का फैसला किया था पनामा लीग के तहत, उस दिन हमने इस मुल्क में एक क्राइसिस की बुनियाद रख दी थी, एक बुहरान की बुनियाद रख दी थी, और उस बुहरान ने हमारी मईशत का जिस तरह पटरा किया है उसकी कोई इंतहा नहीं। ठीक है, हमारी माशी पॉलिसियां 90 की दहाई से एक उस पर सवाल खड़ा होता था, लेकिन ये भी फैक्ट है ना, 90 में जब नवाज शरीफ आए थे तो नवाज शरीफ के आने के बाद जो फ्री पॉलिसियां इख्तियार की गई माशी तौर पर, तो इंडिया के वजीर खजाना ने जब वजीर आजम बने ये बात कही थी कि अगर पाकिस्तान इन पॉलिसियों पर चलता रहा और इंडिया ने आंखें ना खोली तो पाकिस्तान हमसे बहुत आगे निकल जाएगा। भाई उस माशी पॉलिसी की बुनियाद रखी थी जिसको आपने तोड़ मोड़ो के कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उसको निकालो कभी उसको करो कुछ करके सत्यानाश कर दिया है, वो तो अलग कहानी है। लेकिन माजी करीब में जब पनामा लीक का मसला हुआ था उस वक्त आप सारे इंडिकेटर्स देख लें, हमारी मईशत की तबाही का आगाज हुआ था। अगर आप जमहूरियत चाहते हैं तो जमहूरियत का यह तरीका थोड़ा है कि हमने असेंबलियां छोड़ दी, हम असेंबलियों में आ रहे हैं, हम आप इलेक्शन करा, भाई इलेक्शन कौन नहीं कराना चाहता, लेकिन इलेक्शन तो वक्त पे होते हैं, जमहूरियत का तकाजा यह है कि इलेक्शन वक्त पे कराया जाए। नहीं, लेकिन इसमें यह भी सवाल है ना कि चले मैंने जैसे खान साहब से भी ये सवाल पूछा कि इलेक्शन का मुतालबा अगर है भी तो उसको मनवाने का ये तरीका कार कौन सा है। 33 नशस्तों पर खान साहब अगर खुद खड़े होते हैं ज़िमनी इंतखाब में तो हाउ डज दैट गिव एनी गारंटी या कोई ऐसी अश्योरेंस के जनरल इलेक्शन जल्दी हो जाएगा, एक तो ये, और दूसरा सर ये भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने डिफेंस में ये कह रही है कि इसके अंदर तो कोई गैर कानूनी या गैर आइनी बात तो है नहीं, आइन कहीं पर पाबंदी नहीं लगाता कि आप कितनी नशस्तों पर खड़े हो सकते हैं। गैर कानूनी गैर आइनी बात ना हो तो गैर आइनी बात और गैर कानूनी बात वो भी नहीं थी जब आपको फारिग किया गया था, फिर आपको आप ठंडे पेटों उसको हजम कर लेते, जाके असेंबलियों में बैठ जाते और पार्लियामानी अंदाज में जमहूरी अंदाज में मसाइल का हल ढूंढते। आपने वो सकत नहीं थी कि आप अपोजिशन में बैठकर असेंबलियों में काम कर सकें, आप सड़कों पर निकल आए, ये कहाँ की जमहूरियत है ये कहाँ। अब आप 33 नशस्तों पर लड़ना चाहते हैं ये साबित करने के लिए कि जब 33 नशस्तों पर इलेक्शन होगा तो स्टेट का पैसा तो खर्च होगा लेकिन उस पैसे के नतीजे के तौर पर असेंबलियों में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगी। वो फयाज साहब का ये पॉइंट गौरतलब है, हो सकता है कि उनकी हिकमत अमली ये हो कि वो उन नशस्तों से इस्तीफा विड्रॉ कर लेंगे और अपने आदमियों लोगों को अनअपोज इलेक्ट करा देंगे। और भाई अगर आपने अपना ये अंदाज इख्तियार किया है तो आपके साथ बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, आपको अंदाजा नहीं होगा आपके साथ क्या हो सकता है। हो सकता है कि आजाद उम्मीदवार भी खड़े हो जाए और आधी नशस्तें वो जीत दें और 5-7 नशस्तें आपके हिस्से में आए और मालूम हो जाए कि आपकी पार्टी की वो ताकत नहीं रही। अगर इस तरह के खेल खेलना है तो पाकिस्तानी कौम का क्या कसूर है, आपने हमारी मईशत को तबाह करके रख दी है, सत्यानाश करके रख दी है। मईशत पर भी असर आती हूँ, मईशत पर भी आपको पता है ये प्राइस हाइक की वजह से बहुत तनकीद हुकूमत पर की जा रही है। मैं आपके पास आती हूँ, मैं जरा इब्राहिम खान साहब से थोड़ा सा मजीद अभी प्रोब करूंगी थोड़ा सा और इस सवाल के ऊपर के ये जो ये सर एक तो मुझे ये समझा दीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब कहती है कि जल्दी और आम इंतखाबात करा दिए जाए, जनरल इलेक्शन की कॉल दे दी जाए, सर उसकी भी कोई लॉजिक या मंतक अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर समझा सकें कि पंजाब के अंदर जितना भी अभी तक मरहला हुआ है, जो भी प्रोसेस हुआ है, किसी एक चीज पर भी आप ने एतमाद का इजहार नहीं किया, केयरटेकर प्राइम चीफ मिनिस्टर लगाए हैं, इलेक्शन कमीशन ने आप कहते हैं आपको उस पर एतमाद नहीं है, 33 नशिस्तों पर खान साहब अभी खुद खड़े हो रहे हैं, वही इलेक्शन कमीशन है सर जो इन 33 नशिस्तों पर भी इंतखाब कराएगा और अगर आज आम इंतखाब कॉल हो जाते यही इलेक्शन कमीशन वो आम इंतखाबात भी कराएगा, आप लोगों ने एतमाद तो नहीं करना सर उसके ऊपर भी, तो आप लोगों को क्या जल्दी है जनरल इलेक्शन की। मैं ज़रा मीर साहब की थोड़ी सी बात को पहले रिस्पॉन्ड कर दूं, कह रहे हैं कि मईशत की तबाही वो है जो जिस वक्त 2007 में मुशर्रफ छोड़ के गया था पाकिस्तान का टोटल कर्जा जो था वो था 6,000 अरब रुपए, 6,000 से 30,000 अरब रुपए, मकसद 5 गुना उसमें इजाफा करने वाले पीटीआई नहीं थी, पीटीआई तो उस वक्त गवर्नमेंट भी नहीं थी। अब
हमें ये 3.5 सालों में ये ताना दिया जा रहा है, जबकि मईशत को हम पहली दफा 60s के बाद पहली दफा 6% पर एनम जीडीपी ग्रोथ पे लेके गए, तो ये अब चीख के हमें बता रहे हैं कि हमने मईशत को तबाह कर दिया। अब अगर इस माइंड के सेट के साथ बैठ के, वो मकसद है कि ठीक है उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आई शुड रिस्पेक्ट दैट, लेकिन कुछ हकायक को तो सामने रख के बात कर लिया करें, तो मकसद है कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप फिर जो है ना उसमें से डिस्कशन बड़ी अच्छी हो जाती है। जी मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाह रहा हूं कि ये तो ऐसे है कि शूटिंग इन माय ऑन फुट और फिर मैं चीखना शुरू कर दूं कि भाई अगर आप आपको तकलीफ हो रही है कि खान साहब इस वक्त 30 नशिस्तों पे उन्होंने खुद ऐलान कर दिया, पीडीएम तो पहले ऐलान कर चुकी है, पीडीएम तो पहले ऐलान कर चुकी है कि मैंने लड़ने हमने लड़नी नहीं है इसमें, इन पे हम कंटेस्ट नहीं करेंगे। अब हमें कह रहे हैं कि आप क्यों 30 नशिस्तों पे खान साहब क्यों लड़ रहे हैं, और भाई आप अगर ये हमारे इस्तीफे कबूल ना ही करते तो हमें जरूरत ही ना पड़ती, वो आपने इस्तीफे कबूल करके तो ये सिचुएशन क्रिएट कर दी, अब उस पर अखराजात तो होने हैं और लीगल बाइंडिंग है उसमें कि आपने वो विद इन 60 डेज और 90 डेज आपने उसका इलेक्शन करवाने हैं, अब फिर चीखे भी आप ही जा रहे हैं, करते भी खुद ही जा रहे हैं, और उस पे और आज जो पेट्रोल का बम गिराया है मजीद 35 रुपए लीटर पे डीजल पे, के साथ आप लोगों को इस पेट्रोल के बम की फिक्र होती तो आप लोग इस तरह के ऐलानात आज के दिन ना कर रहे होते कि 33 नशिस्तों से एक ही शख्स खड़ा है वो कोई भी है। मैं यही तो कह रही हूँ, आप मुहावरे बड़े अच्छे अच्छे सुना रहे हैं सर, लेकिन शायद वो आपके अपने ऊपर ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है। यू हैव शॉट योर सेल्फ इन द फुट योर सेल्फ, पंजाब से वो छोड़कर हुकूमत केपीके से हुकूमत छोड़ के शूटिंग फुट तो आप लोगों ने किया है अपने साथ से। आपकी जाने बाती हूँ फयाजुद्दीन साहब को, मौका पहले भी नहीं मिला, आवाज नहीं आ रही थी सर, फयाजुद्दीन साहब आप मौजूद हैं सर हमारे साथ? जी मैं मौजूद हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। एक तो जो पहले हम बात कर रहे थे वो अगर आप कुछ उसमें मुकम्मल करना चाहते ना चाहते कर लीजिएगा, और ये अभी इब्राहिम खान साहब बात कर रहे थे, वो कहते हैं जी कि ये हमें इल्जाम देते हैं मईशत का पेट्रोल बम गिरा दिया, मईशत तो आप लोगों से वो कहते हैं संभाली नहीं जा रही। मैं ये अर्ज करूंगा इब्राहिम खान साहब को मेरी बात को यकीनन तायद करेंगे अगर वो सच्ची बात की तायद करना चाहें, ये दुरुस्त है कि मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान का कर्जा 6,000 था और फिर 8,000 अरब रुपए कर्जा लिया पीपल्स पार्टी ने, ये 14,000 हो गया और 10,000 कर्जा लिया मुस्लिम लीग की हकूमत ने और ये हो गया 24,000। ये 10,000 कर्जा लेके हमने मोटरवेज बनाई, हमने मेट्रोज बनाई, हमने पाकिस्तान को अंधेरों से निकाला, हमने बिजली के कारखाने लगाए, हमने LNG स्टेशंस लगाए और इसके अलावा पूरे मुल्क में खुशहाली लाए उन 10,000 अरब से। लेकिन इन्होंने 4 साल में पाकिस्तान ने जितना 70 साल में कर्जा लिया था उसका 80% कर्जा इन्होंने 19,000 अरब जो खुद शौकत तरीन साहब मानते हैं इन्होंने लिया। और मैं ये पूछता हूं कि 19,000 अरब लेके ये एक मंसूबा बता दे पाकिस्तान की तरक्की के लिए इन्होंने लगाया हो, सब लूट मार या फरा गोगी खा गई या वो गुज्जर साहब खा गए या बीबी साहबा खा गए, पता नहीं कौन खा गया। ये सिर्फ ये बता दें कि 19,000 अरब में पाकिस्तान में एक कारखाना लगाया इन्होंने। बातें तो ये करते हैं और जो भी बातें करते हैं वो झूठ पे मबनी होती है और फिर उसके बाद यू टर्न ले लेते हैं। लेकिन सर मैं कंपैरिजन करते हैं 8-9 महीने पहले जब हुकूमत आप लोगों ने ली उससे, वो कहते हैं जी इस वक्त मुल्क वॉयज ऑफ डिफॉल्ट पे है, महंगाई जो है वो सबसे इस वक्त ज्यादा है, अगर कंपैरिजन करें डॉलर के रेट्स की बात कर लें, पाउंड्स के रेट की बात करें, ओवरऑल जो इस वक्त सूरत हाल है, वो कहते हैं कि आप लोगों से तो मामलात नहीं संभाले गए। बीबी मैं अर्ज करता हूँ कोई भी सियासी जमात अपने सियासी असासे को दौ पे नहीं लगाती महंगाई करके। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग है जो एक मोहब्बे वतन जमात है, उसने अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया है पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। अगर हम उस वक्त हुकूमत ना लेते तो ये मोहतरम जो PTI वाले हैं इन्होंने हमारे तमाम जो दोस्त गैर मुल्की सऊदी अरब हो, चाइना हो, कतर हो, इवन अमेरिका हो, सबको नाराज किया हुआ था, कोई इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं था। इन्होंने IMF से मुहैदा साइन किया और फिर उसी साइन हुए मुहैदे से बैकआउट कर गए और इसी वजह से IMF हमसे भाग गया। अगर हम ना आते तो इस वक्त तक मुल्क डिफॉल्ट हो चुका होता। ये एक मुहब्बे वतन जमात ही कर सकती है कि अपनी सियासत को दौ पे लगा के मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाए। तो ये कोई पहली बात दफा नहीं हुआ, आपको याद होगा कि 99 में जब हम पे सैंक्शंस लग गई थी तो हमारे जर्रे मुबादला के ज़खायर सिर्फ 400 मिलियन रुपए बाकी थे, लेकिन फिर हमने पाकिस्तान की मईशत को
फिर उस पटड़ी पे चढ़ाया और मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन किया। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो स्टेक पे लगाया है इस मुश्किल हालात को संभालने के लिए। मैं जरा सजाद मीर साहब को शामिल कर लूं। सर आप कुछ बीच में ऐड भी करना चाह रहे थे। इब्राहिम खान साहब ने कहा जी कि मईशत के बारे में अभी बात की है, वो उससे इत्तेफाक नहीं करते। वो कहते हैं हम तो बड़ी बेहतर हाल में छोड़कर गए थे सारे मामला जो है उनको। सजाद मीर साहब आप मौजूद हैं सर? जी मैं मौजूद हूँ लेकिन आवाज मुझे नहीं आई आपकी। सॉरी सर मैं सवाल दोहरा देती हूँ। एक तो मैंने कहा आप पहले कुछ ऐड कर रहे थे शायद गुफ्तगू के अंदर, वो भी प्लीज कर दीजिएगा। और इब्राहिम खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, आपने जो मईशत पर बात की थी वो कहते हैं जी कि ये तो वो है फैक्चुअली इनकरेक्ट है, हम तो मईशत को अच्छे हालात में छोड़ के गए थे। आवाज बिल्कुल मुझे समझ नहीं आई ना आ रही थी सर, लेकिन मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। जो बहस हम कर रहे हैं इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर कोई समझता है कि फौरी इलेक्शन मसले का हल है तो वो गलत फहमी में मुब्तला है। बल्कि कुछ लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन जब भी होंगे वक्त पर भी होंगे, आनी तौर पर तो उसे वक्त पर ही होना चाहिए, लेकिन अगर वक्त पर भी होंगे तो बहुत से मसाइल पैदा होंगे और ये मसाइल पैदा किए गए हैं उस सियासत ने। ये मसला अभी ये पूछ रहे थे, कह रहे थे इब्राहिम साहब कि साहब अगर ये इस्तीफे मंजूर ना करते तो हम ये ना करते कि एक आदमी लड़ता है। भाई इस्तीफे दिए क्यों थे पहले इसका जवाब दो ना। जहां से आपने आगाज किया इस्तीफे देने का वो दिए क्यों थे? आप कहेंगे जी हमने तो इलेक्शन का ऐलान कर दिया। भाई इलेक्शन का ऐलान करने का आपको इस्तेहकाक हासिल नहीं था, आपके पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, आपको उसे फेस करना था, आप फेस नहीं कर रहे थे। हत्ता कादरिया को उसमें दखल अंदाजी करनी पड़ी और बाद में जो उनका फैसला आया। ये सारी सूरत हाल ये है कि आप दूसरों के साफ मान लीजिए कि आपकी हिकमत अमली नाकाम हो चुकी है। आपकी हिकमत अमली ये थी कि हम सड़कों पर निकलकर हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो इलेक्शन वक्त से पहले करा ले, वो नाकाम हो गई। हिकमत मान ले इस बात को, वो हिकमत अमली नाकाम हो गई है। आराम से बैठें और तैयारी करें उन इलेक्शन की जो वक्त पर आईन और कानून के मुताबिक होने, उस पर अगर ताकीद होती है आपको हक पहुंचता है कि आप शोर मचाएं, आपको हक पहुंचता है कि आप प्रोटेस्ट करें। यह कहना कि इलेक्शन वक्त से पहले करा लें यह इस्तेहकाक सिर्फ हुकूमत वक्त को अल्लाह करता है। आप कहते चोरों को मुसल्लत कर दिया। भाई वो कहते हैं कि आप पर इतने मुकदमे हैं उनको फेस तो करो। लिख रहे आपने किसने फैसला किया था उनके चोर होने का? कौन था जावेद इकबाल जस्टिस कहते हो शर्माती है, कौन था वो जिससे आपने मुकदमे करवाए? जो कुछ करवाए सबके सामने अब इंसाफ का आप कहते हैं ताकतवर के लिए इंसाफ और दूसरे के लिए इंसाफ, और आप ताकतवर हैं आपको अदालतें पकड़ नहीं रही इस वक्त, आपको जेल में होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है मीर साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं आपको कहूंगी हम उतनी देर में आपकी ऑडियो भी फिक्स करने की कोशिश करते हैं। आपने कहा कि कौन था जिसने मशवरा दिया असेंबलियों की तहलील का, तो शायद वो कुछ थोड़ा थोड़ा परवेज इलाही साहब ने बताया तो है। इस पर बात करते हैं मजीद इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। Pull the plug on bijli and bill cutter. Soch smart, waste not. Stay low, bachao more. Soch smart, waste not. Solar ke watts, ab zaruri hai boss. Soch smart, waste not. Switch ho off, ye aadat rahe boss. Yeah, that's more like it. Pani garam chup istamal lazim. Soch smart, waste not. Soch smart, waste not. Soch smart. Waste not. Subah se sham, best time for calm. Soch smart, waste not. Tip tip ho drip, pani ki supply na ho khrich. Oh no! Metro karo choose, save fuel. Soch smart, waste not. Carpool, bachai fuel. Soch smart, waste not. 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 हेलो, एक मिनट, क्या आपको पता है अगर हम एनर्जी की बचत करें तो जहां मुल्क को साल में $1,12,00,000,000 की बचत होगी वहां आपके एनर्जी अखराजात भी 30% तक कम हो सकते हैं। सोच स्मार्ट, वेस्ट नॉट। तुम ख्वाब देखो, ताबीर हम दिखाएंगे।
क्योंकि हमें है तुम पे यकीन। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम के तहत 18 से 45 साल के मर्द, खवातीन, खुसूसी अफराद और ट्रांसजेंडर्स के लिए कारोबार के आगाज और तौसी के लिए 75 लाख तक के सब्सिडाइज कर्जा जात, 5 लाख तक के लोन बगैर किसी मार्कअप, पहली बार जरई कारोबार भी स्कीम में शामिल। 25% कर्जा जात खवातीन के लिए मुख्तस। कर्ज की वापसी 8 साल की आसान एक साथ में। कर्जे के हुसूल के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की वेबसाइट www.pmyp.gov.pk पर ऑनलाइन दरखास्त दें। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ लोन स्कीम, जब आगे बढ़ेंगे नौजवान तो खुशहाल होगा पाकिस्तान। आओ कर दिखाएं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से। एक सवाल इब्राहिम खान साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, 43 जो अभी आखिरी फेज में रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट हुए हैं उनके बारे में खबर है कि आप लोग उसको चैलेंज करने का आप लोगों ने कह दिया है कि कोर्ट में जाएंगे आप लोग उन एक्सेप्टेंसेस के खिलाफ। अभी थोड़ी देर पहले आप अपनी गुफ्तगू में सर कह रहे थे कि ये जो हुकूमत है इनको बार बार रह रहे कि बाद में ख्याल आता है कि कोई काम है जो करने वाला है। ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी आफ्टर थॉट्स नहीं आती हैं जिसकी बुनियाद पर आप अपनी सियासत कर रहे हैं। ये फैक्ट आप लोगों ने पहले इस्तीफे जो मंजूर हुए उनको किसी फोरम पे चैलेंज नहीं किया और अब वालों को चैलेंज करने जा रहे हैं, इसका मतलब तो यही है ना सर कि आफ्टर थॉट है, अब आप चाहते हैं कि आप लोग सिस्टम में वापस आ जाएं किसी तरीके से, तो अब आप इसको चैलेंज कर रहे हैं, वरना पहले यू वर ओके विद इट। हरगिज़ ऐसा नहीं है। बेसिकली जिस वक्त हम सब लोग इकट्ठे होकर अपने जो है वो इस्तीफे वापस लेने के लिए असेंबली में जा रहे थे तो उस वक्त इन्होंने धड़ाधड़ वो 35-35 के दो बैचेस में इन्होंने 70 लोगों को कर दिया, तो बाकी जो लोग बचे थे उनके पास ये प्ली है कि जब हमने अपने वस्तीफे वापस लेने की, क्योंकि जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने जब हमारे फर्स्ट टाइम जाके मिले थे कि जी हमारे इस्तीफे कबूल करें अगर करने हैं, तो इन्होंने फरमाया था कि जी मैं वन बाय वन हर बंदे को सुनूंगा और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि जी ये इस्तीफे को मंजूर करना है या नहीं करना। फिर इन्होंने जो है उसको 35-35 की सूरत में खुद बखुद ही बगैर बुलाए कबूल कर लिया। अब चलें 70 तो आपने कर ली, अब 70 के बाद तो हमारे वो जो 43 लोग बचे हुए थे वो तो कहे हो कि भाई हम नहीं देना चाहते इस्तीफे, अब आप जो है हमारा इस्तीफा क्यों जो है अब आप कबूल कर रहे हैं। क्योंकि इसमें एक ऐसी इंस्टेंस हुई है कि हमारे शकूर शाद साहब थे, वो भी PTI के मेंबर कौमी असम्बली थे, वो हाई कोर्ट में वो गए थे तो उन्होंने वहाँ पे कहा था कि मैं इस्तीफा नहीं देना चाहता, तो कोर्ट ने कहा कि जब वो नहीं देना चाहते तो इनके आप इस्तीफे वो उसको नामंजूर करें और इनको असेंबली में वापस आने दें। हाँ। तो अब हमारे पास लीगली वो राइट है, हम उसको एक्सरसाइज करेंगे कि जब वो हमारे बंदे क्या होगा। मैं एक अजम्पशन की बुनियाद पर अगर आपसे सवाल कर लूं कि ये अगर आप लोगों के निजाम को चलाना चाहते हैं, नहीं ये जो इस्तीफे है ना सर ये रिवर्स हो जाते हैं, ये अगर रिवर्स हो जाते हैं तो इससे आप क्या अचीव करेंगे? आप लोगों ने जो लाइन ली है वो ये है कि आप लोग केयर टेकर सेटअप के अंदर अपना कोई रोल चाहते हैं जब वो बनेगा, तो पंजाब में केयर टेकर सेटअप के अंदर आपका रोल था सर, माना तो उसको आपने तब भी नहीं, रोल होने के बावजूद, तो यहां पर अगर आप आ भी जाएंगे तो उससे आपको क्या फायदा हासिल होगा? देखें वो केयर टेकर या जो भी जिस तरीके से मामलात को हैंडल किया जा रहा है, पाकिस्तान के लोग कोई इससे नाशना नहीं है। जो फासिज्म का एक इंतहा की जा रही है और जिस तरीके से जो है इलेक्शन कमीशन का बिहेवियर है और जो इलेक्शन कमीशन जिस अंदाज में मामलात को आगे लेके चल रहा है, इससे बड़ा क्लियरली देखें एक बंदे का उसके खिलाफ जो है प्ली बारगेन का वो हुआ हुआ है और जिसने प्ली बारगेन किया हुआ हो उसमें वो सुप्रीम कोर्ट के बड़े क्लियर ऑर्डर्स तो हैं कि वो ना कोई ही नहीं रहे कभी प्ली बारगेन का क्या सवाल है? टेकर आना तो बहुत दूर की बात है, वो है फिर उसके निगरान चीफ मिनिस्टर कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे इससे पहले, वो उनका केस था नैब में जिसका के 35 नहीं प्ली बारगेन जो था वो इनके खिलाफ एक मुकदमा था नैब के अंदर जिसमें इन्होंने प्ली बारगेन करके 35 लाख रुपए नैब में जमा करवाए थे। एक दूसरा इनके खिलाफ जो है वो
एक आर्डिनेंस के आपके ये जो नेपरा के आर्डिनेंस में इनके खिलाफ केस वो भी बड़ा शदीद हुआ, जिसमें कि वो असाबा कराम के खिलाफ कोई वो इन्होंने 24 ने एक बड़ी नशर कर दी थी खबर, तो उनके खिलाफ वो कराची में वो भी केस दर्ज हुआ। तो मकसद एक कंट्रोवर्शियल आदमी, आप क्यों नहीं नॉन कंट्रोवर्शियल लोगों को लेके आते और उनको बिठाएं ताकि वो आके जो है नॉन कंट्रोवर्शियल आप लोगों के किताबों में से वो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काबिल कबूल हो। हुकूमत के इस वक्त एक सिटिंग सर, मैं आपकी जानिब आती हूँ दोबारा, शेख साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। फयाज तो सर, अब बहुत सारी बातें और मामला जहाँ पर चल रहे हैं वहाँ पर एक बहुत ही मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा कि एक खौफनाक रिवायत मैं तो कहूँगी कि आप सियासत के अंदर आप लेकर आ रहे हैं कि आप सियासतदानों को सियासी मुखालफत जरूर करें, लेकिन उससे आगे बढ़कर कत्ल के इल्जाम लगाना, पूरी कत्ल की साजिश या उसके मनसूबे का हिस्सा उनको साबित करने की कोशिश करना, ये एक बहुत खतरनाक रविश नहीं है सर जो इस मुल्क की सियासत में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है? इमरान खान साहब ने जरदारी साहब पर जो इल्जाम लगाया उसके क्या असरात आप समझते हैं हो सकते हैं? बीबी, पहले तो मैं अपने मोहतरम भाई अबरीम खान साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा कि पहले इन्होंने इस्तीफे दिए और जब इनको समझ आई कि ये इन्होंने बहुत बड़ी हमाकत की है तो फिर वापस लेने दौड़े, तो जो मुक्का बाद में याद आए उसे अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। अब ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भागे जा रहे हैं कि हमारे जो इस्तीफे मंजूर किए गए हैं वो उनको दोबारा नामंजूर करके हमें असेंबली में, उस असेंबली में जिस पे इन्होंने लानत भेजी थी उसमें वापस जाने के लिए अब हाथ पांव भी मार रहे हैं और चीख भी रहे हैं। बीबी, जहां तक आप ये मुकदमों की बात कहती हैं तो हम तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीडीएम की ये रवायत नहीं है कि ये सियासी इंतकाम के तौर पर मुकदमे बनाए। आपको तो याद होगा कि 90 दिन का जो है वो जिस्मानी रिमांड हमारे लीडरान इकराम ने भुगता है, वो ख्वाजा आसफ साहब 90 दिन का उन्होंने जिस्मानी रिमांड भुगता है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब शरीफ आदमी वो भी 90 दिन का जिस्मानी रिमांड भुगत के आए हैं, इसी तरह एहसन इकबाल साहब 56 दिन का जिस्मानी रिमांड भुगत के आए हैं, इनको तो अभी 2 दिन हुए हैं। अपने फवाद चौधरी साहब को सिर्फ 2 दिन का रिमांड एक दफा मिला है और दूसरी दफा 2 दिन का मिला है और इनकी चीखें जो हैं वो आसमान से बाहर जा रही हैं। हमने ना कभी सियासी इंतकाम लिया है और ना कभी लेंगे। अदालतों के पास ये फैसले हैं, जो अदालत फैसला करेगी हम सर तस्लीम खम करेंगे। और जहां तक इमरान खान साहब ने ये जो आसफ जरदारी साहब जैसे आदमी पे वो कत्ल का इल्जाम लगाया है, तो भाई ये आदमी तो रात को इनको ख्वाब आता है या कहीं से अलका होता है या बेगम साहब इनको एडवाइज करती है और सुबह एक वो नया बयान बना देते हैं। पहले इन्होंने कहा था कि प्लान ए है, मुझे प्लान ए में कत्ल किया जा रहा है, फिर प्लान बी आ गया, वहां 3 आदमियों ने इन पर शूटिंग की और इनको गोली एक नहीं लगी, सिर्फ जर्रे इनके पांव में फंस गए और इस जो हमारे गवर्नर थे उनकी जेब में से 4 गोलियां निकल आई और जख्मी वो भी नहीं हुए। और ये बहरहाल किसी तवीज का ही कमाल था कि 3 आदमी शूटर हो और ये बच जाए, और ये फिर एजेंसियों पे भी इल्जाम लगा रहे हैं कि वो भी इनमें इन्वॉल्व है। अभी इनको इन्होंने आसफ जरदारी साहब पे इल्जाम लगाया है तो उन्होंने इनको लीगल नोटिस देने का फैसला किया है, अभी आप देखेंगे इनको माफी मांगते देखिएगा, या फिर इस तरह कहेंगे जिस तरह 35 पंक्चर के बयान पे इन्होंने कहा था कि भाई वो तो मेरा सियासी बयान था, या जैसे इन्होंने शहबाज शरीफ साहब पे इल्जाम लगाया था कि वो 10 अरब रुपए उन्होंने ऑफर किए और आज तक उन्होंने बयान नहीं दिया। ये ज़कात चोर हैं, ये चंदा चोर हैं, ये कोई सियासी लोग नहीं है, ये जिस एजेंडे पे आए हैं वो पाकिस्तान को इकोनॉमिक पे और माशी तौर पे बदहाल करने और गिराने का एजेंडा है। ये पूरे दुनिया में हमें अकेला करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमने हर सियासी कीमत अदा करनी है और मुल्क को फिर तरक्की की राह पे ले जाना है। बहुत जल्द आप सजाद मीर साहब की गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सजाद मीर साहब, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? सजाद मीर साहब आप मौजूद हैं सर? सजाद मीर साहब, आई थिंक आपकी ऑडियो म्यूटेड, आप कुछ कह रहे हैं लेकिन हम आपको सुन नहीं पा रहे। चले हम या फिर हम सजाद मीर साहब को टेलीफोन लाइन पे कनेक्ट करने की कोशिश कर लेते हैं अगर वीडियो लिंक जो है उसमें कोई मसला आ रहा है इस वक्त। अच्छा इब्राहिम खान साहब, सर ये जो जरदारी साहब वाला मामला है ये मैं अगेन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं लगता कि कुछ लाइंस हैं वो क्रॉस ना की जाए तो अच्छी बात होती है? वो कल भी हमारे प्रोग्राम में एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने अपने राय देते हुए ये कहा कि दुनिया भर में एक अंडरस्टैंडेबल एक अनरिटन रूल है कि जिन चीजों की सजा जो है सजाए मौत हो सकती है वो इल्जामात सियासतदान अपने मुखालफीन पर कोशिश करते हैं उसे गुरेज करें वो ना लगाएं। खान साहब ने बगैर किसी सबूत के बगैर किसी चीज के एक फॉर्मर प्रेजिडेंट पे मुल्क के इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया सर।
खान साहब ने, खान साहब पे जो खारिया में या गुजरात के नज़दीक जो हमला हुआ था उसका खान साहब ने डेढ़ माह पहले बता दिया था कि ये मेरे ऊपर हमला करवाएंगे और बंदे को साबित करने की कोशिश करेंगे कि वो कोई रिलीजियस फनेटिक है। और एग्जैक्टली फिर वही कुछ हुआ कि वो डीपीओ के ऑफिस में बैठ के उसकी वीडियोस बनाकर रिलीज कराई गई। अब खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं तो उनको पता है और उनके भी अपने सोर्सेज हैं, वो बगैर किसी कंफर्मेशन के, बगैर सोर्सेज के ऐसी बात नहीं करते। और जरदारी साहब कौन से तहजत गुजार हैं, उनका सिंध में जाकर रिकॉर्ड तो उठा के देखें, उनके ऊपर कितने लोगों को, उनके लिए तो ये डेली का रूटीन बिजनेस है, कोई उसमें इतनी कोई बड़ी बात उनके लिए कह देना नेशनल टीवी पे बगैर किसी सबूत के तहजत गुजारी की किसी की तो कोई भी जमानत नहीं दे सकता। शेख साहब तहज्जुद गुजारी तो वैसे भी कोई सवाल नहीं है ना, वो अल्लाह और इंसान के मामले उसको छोड़ देते हैं। साथ बात कर रहे हैं और वो जब सबूत मांगे जाएंगे तो इंशाल्लाह सबूत दे भी देंगे, सबूत दे देंगे आप कह रहे हैं। चलें, मैं आप मुझे सिर्फ बात करने का मौका दे दीजिए क्योंकि उसमें आवाज में कोई डिले आती है तो आप मुझे बात करने का मौका नहीं देती। चले आप मुझे सिर्फ आप ऐसा बता दें कि शेख साहब कह रहे हैं कि मुहिब्बे वतन पार्टी है ये मुस्लिम लीग नून, ये मुहिब्बे वतन जो है ये पहले मुहिब्बे वतन है जिनकी जो इनका सरबराहान है उनकी तमाम जायदादें इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, ये बहुत बड़े मुहिब्बे वतन हैं। अगर आपको अवाम से इतना अवाम पे इत्माद है कि आप इतनी शीरी बिखेर रहे हैं तो आप इंतखाबात पे अवाम के पास क्यों नहीं डालते, क्योंकि इनकी हकीकत, इनके हकायक को एक्सपोज करके रख दिया इमरान खान ने दुनिया के सामने के 35 साल तक जो कुछ इन दोनों घरानों ने मिलकर किया है वो सबके सामने आया है। और उस चीज को सामने रखते हुए अब ये घबरा रहे हैं इलेक्शंस में जाने से, ये घबरा रहे हैं अवाम के पास जाने से। अब वो मरियम साहिबा भी आई हैं तो वो सना बुचा का आपने खुद देख लिया होगा या सुन लिया होगा शॉर्ट, उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा कि सैकड़ों में सिर्फ लोग थे, हजारों में भी नहीं थे। तो इनको समझ तो आ रही है कि ये अब इलेक्शन में जाएंगे तो अवाम ने इनको कैसा रिस्पॉन्ड करना है। मेरे पास वक्त महदूद है, मैं मीर साहब के साथ रब्ता बीच में मुनकता हो गया था, उन्हें जरा शामिल करना चाहती हूँ। लेकिन ये दिन भी हमने देखना था कि सना बुचा साहिबा को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो कोर्ट कर रही है। यही तो मामला है कि जब किसी की कोई बात सूट करे तो उस वक्त वो अच्छा हो जाता है, वरना जो जो कुछ कहा गया सना साहिबा को सोशल मीडिया पर आप लोगों की जानिब से वो तो खुदा की पनाह है। सजाद मीर साहब, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही जी। सर सॉरी, आपके साथ कोई हमारा ऑडियो का इशू चल रहा था। मैं एक दो चीजें जिन पर आपसे आपकी राय लेना चाहती हूँ सर। एक तो ये जो इस्तीफों की मंजूरी को चैलेंज करने का मामला है, फिर 33 नशिस्तों पर खुद खड़े होने का मामला है, फिर उसके बाद पंजाब में केयर टेकर सीएम को चैलेंज करने का मामला है और बहुत सारी इस तरह की बातें जो आजकल हम पीटीआई की तरफ से सुन रहे हैं, आप समझते हैं कि कोई रिग्रेट अब शुरू हो गया है कि ये जो असेंबलियां हैं इनसे नहीं निकलना चाहिए था? कोई आफ्टर थॉट्स आ रही है इस चीज को लेकर, या आप समझते हैं कि नहीं वो ठीक है उस डिसीजन के ऊपर अभी कोई आफ्टर थॉट्स नहीं है? असल में मुझे कोई एक आदमी नहीं मिला सवाए उन 3-4 हॉक्स के जो उनसे इकट्ठे होते हैं, जो समझता हो कि असेंबलियों से निकलने की जो फैसला था वो दुरुस्त था। अच्छा कि सदर जरदारी, सदर अलवी तक ने यह कहा है कि अगर मैं होता तो ये फैसला इस तरह ना करता, इस तरह बात ना कहलाता। बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए प्लीज। मीर साहब आप मौजूद है सर? यस सर, या हमारा फिर कोई ऑडियो का इशू हो गया सजाद मीर साहब के साथ। सजाद मीर साहब आप मौजूद है सर हमारे साथ? नहीं, हमारा रब्ता जो है वो फिर से मुनकता हो गया। अच्छा शेख फयाजुद्दीन साहब, सर वो आपने भी इब्राहिम खान साहब की गुफ्तगू सुनी, मैं आपसे आखिरी रिमार्क ये लेना चाह रही थी। वो कहते हैं जी आप लोग घबरा रहे हैं, आप लोग डर गए हैं, आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास कुछ नहीं है अवाम के पास लेके जाने को, और कल मरियम बीबी आई है तो वो कहते हैं कि कोई लोग नहीं थे वापस इस्तकबाल करने के लिए। बीबी आप इब्राहिम खान साहब को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर, आ रही है। मैं खान साहब को तो कुछ नहीं कह सकता, मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है। पहले तो मैं इनसे ये दरखास्त करूंगा कि वो 100 दिन का सराकी सूबा का क्या बना, जो जिस वादे पे इन्होंने वोट भी लिए थे और साइन तहरीरी तौर पे एक मुआहदा साइन किया था इमरान खान साहब साहब के 100 दिनों में वो जनूबी पंजाब का सूबा बनाएंगे। मेरा ख्याल है जब ये अवाम के पास जाएंगे इनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। जहां तक इंतखाबात का ताल्लुक है तो आईनी मुद्दत जब पूरी होगी हम इंतखाबात में जाएंगे और हम इंतखाबात से नहीं भागते, लेकिन हम किसी पार्टी को ये इजाजत नहीं देंगे कि मुल्क में गैर यकीनी की फिजा पैदा करे, अदम इतमाद की फिजा पैदा करे और माशी तौर पर मुल्क को बदहाली की तरफ ले जाए। इलेक्शन कोई मजाक नहीं होते, इसमें अरबों रुपए का खर्चा होता है और पूरे मुल्क का सिस्टम जो है वो स्टैंड स्टिल हो जाता है। जब वक्त आएगा इंशाल्लाह अगस्त में हमारी असेंबलियों की मुद्दत पूरी होगी और अक्टूबर में इंतखाबात होंगे। अगर खुदा ना खास्ता कोई माली इमरजेंसी आ गई और इन लोगों ने कोई मुल्क में ऐसा अनरेस्ट पैदा कर दिया
तो आइन में इस बात की भी इजाजत है कि इंतखाबात को एक साल तक आगे ले जाया जा सकता है, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि वक्त पे ये इंतखाबात हों और ये भी सियासी तौर पे सियासी गेम खेलें। एक सवाल आपसे मैं जरूर पूछना चाहती हूँ, सिंस आप जाहिर है प्राइम मिनिस्टर के साथ बड़ा क्लोजली काम भी करते हैं और यू आर वन ऑफ द सीनियर पीपल इन द पार्टी, ये जब पीटीआई की तरफ से कहा जाने लगा कि वो वापस आना चाहते हैं कौमी असेंबली में, उनके इस्तीफे मंजूर ना किए जाए, मैं उसकी पोलिटिकल इम्प्लीकेशन या पोलिटिकल उसको साइड पर रखकर अगर आपसे ये सवाल करूं कि आपको नहीं लगता कि आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए था अगर वो फाइनली किसी फॉर्मल फोरम पे वापस आने को तैयार हो रहे थे तो आने देना चाहिए था? मुझे इसका जवाब देने दीजिए। हम ये चाहते हैं कि ये सियासी अमल में शरीक हों, हमने इन्हें बारहा इस बात की दावत दी है कि आए हमारे साथ बैठें और हम इंतखाबात के बारे में तय करें, लेकिन जब हमें ये पता चल गया कि ये इंतखाबात नहीं चाहते, ये मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं, वरना पंजाब की असेंबली और केपी के असेंबली की तोड़ने की लॉजिक क्या थी जहां पे इनकी ऑलरेडी हुकूमत थी? अगर दोबारा भी अगर इलेक्शन हो जाए, अगर खुदा ना खास्ता ये जीत जाए, तो इनको यही हुकूमतें मिलनी है ना, ये उसी हुकूमत को तोड़ के गए हैं जिसके लिए फिर ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मैं इसलिए ये सवाल कर रही हूं ना कि जब वो सियासी अमल में आना चाह रहे थे तो आप लोगों ने उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए। जब हमें ये महसूस हो गया कि ये सियासी अमल में नहीं आना चाहते बल्कि असेंबली में आके फिर वही शोर शराबा चोर चोर डाकू डाकू का खेल करना चाहते हैं, तो हमने इन्हीं की चाल इनके मुंह पे दे मारी, इन्होंने इस्तीफे दिए और जो ये रोज शोर मचाते थे कि हमारे इस्तीफे कबूल नहीं होते, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि हमारे इस्तीफे क्यों नहीं कबूल होते, तो हमने इनकी बात मान ली और जिस असेंबली में ये लानत भेजते थे उसी में हमने इसको आने की इजाजत नहीं दी और इनके इस्तीफे मंजूर कर लिए। वक्त आएगा तो इंतखाबात में इनको इस बात का भी जवाब दिया जाएगा कि अवाम क्या चाहते हैं। अवाम इतने बेवकूफ नहीं है, उनको बहुत जल्द बहुत सी बातों का इलम हो गया और बहुत सारी बातें बाकी है उनका भी इलम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शेख फयाजुद्दीन साहब। सर आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, मोहम्मद इब्राहिम खान साहब सर आपका भी आपके वक्त के लिए, सजाद मीर साहब के शुक्रगुजार हैं, गो के हम पूरे प्रोग्राम में उनके साथ रब्ता बहाल नहीं रख सके लेकिन बहुत शुक्रिया उनका उनके वक्त के लिए। और प्रोग्राम 40-50 मिनट का प्रोग्राम करने के बाद भी मैं इस वक्त तक भी ये बात नहीं समझ पाई हूँ कि 33 नशस्तों पर एक ही शख्स का इलेक्शन कंटेस्ट करने के पीछे क्या मंतक या क्या लॉजिक हो सकती है, कोई भी उसकी एक्सप्लेनेशन हो, ये बेदरेग जो ज़िया होगा टैक्स पेयर के पैसे का उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जो आवाम के वक्त का ज़िया होगा मेरा ख्याल है उसकी शायद कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं अभी भी कोशिश करूंगी कि मैं इसको फर्दर एक्सप्लोर करूं और समझने की कोशिश कर सकूं प्रोग्राम नुक्ता एतराज से। आज के लिए बस यही कुछ, अश्विन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।